कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज फिर कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस आपको सुनाने जा रही थी एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी, क्योंकि सिलसिला जारी रहे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि शायद मैं आप लोगों के बीच में मतलब हूँ और आप लोगों से निरंतर मेरा कॉन्टैक्ट बना हुआ है। और जब काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं डालते हैं ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। बीच में मैंने ऐसा करके देखा था तो बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे आप लोगों के टच में मैं रहूँगी। और बाकी तो देखते हैं समय के अकॉर्डिंग बताता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या कहाँ तक साथ निभा पाते हैं। तो ये सब तो देखा जाएगा क्या होता है आगे। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। तो कहानी यही है कि जब दुखों का जब बहुत बड़ा पहाड़ किसी के ऊपर भी गिरता है, ऐसा नहीं है किसी के ऊपर नहीं गिरता है, किसी न किसी रूप से गिरता ही है। तो उस टाइम पर जो लोग हमें संभाल लेते हैं और जो लोग हमें धुतकार देते हैं, वो जिंदगी भर हमेशा याद रहते हैं। ये सभी के जीवन में ये समय आता जरूर है, चाहे वो किसी रूप में भी आ जाए, किसी भी दुख के रूप में आ जाए, लेकिन अपनों की सही पहचान दुख के समय ही होती है। और ये सभी को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी इस चीज़ का अनुभव करते हैं। जो इस मनुष्य योनि में आ गए उन लोगों को सभी को ये पता होता है। और हमें भी माँ बाप हमारे बोलते थे, लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं समझ में आता था कि कौन क्या काम आएगा क्या नहीं काम है। हम सोचते थे बस बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं, एक वर्ड है ये बोलने का। लेकिन जब हमारे साथ भी ऐसा हुआ तब हमें भी अपनों के और परायों का पता लगा। तो यही हुआ कि एक बार एक परिवार में ऐसे ही कोई दुर्घटना घट गई और उनके पिता एक्सपायर हो गए। उस लड़के के लड़का तो जब पिता एक्सपायर हो गए तो उसके पिता सुनार थे, तो सुनार थे। तो अब जब कमाने वाले चला जाए तो परिवार के लिए बहुत बड़ी विपदा घर में आ जाती है कि जब कमाएगा ही कोई नहीं तो खाएंगे कैसे, परिवार चलेगा ही कैसे। तो यही हुआ कि कुछ दिन तक तो चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी माँ उससे बोलने लगी कि बेटा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, और कब तक किसी से ले दे के घर चलेगा। ऐसा करो, तुम कुछ करो, और जब तक तुम कुछ अपने लिए करने की सोचते हो तब तक ऐसा करो कि मेरे पास एक हार रखा हुआ है और तब तक तुम उसको दे आओ, जो भी पैसे निकलते हैं उससे घर परिवार चलता रहेगा, और तब तक तुम अपना कोई काम देख लो। तो भाई, जब बच्चे या कोई भी काम करने नहीं गया होता है और इस परिस्थितियों के बाद काम के लिए निकलता है तो प्रॉब्लम तो आती ही आती है, सभी समझ सकते हैं। तो उसने वो हार लिया और उसके चाचा भी जौहरी ही थे, तो उसने कहा कि बाहर देने से अच्छा तो क्या है, मैं अपने चाचा को ही ये हार दे आता हूँ, जितने भी पैसे होंगे इसको मैं ले आऊँगा और मम्मी को दे दूंगा। तो वो अपने चाचा के पास गया और उसके चाचा ने वो हार देखा और कहा, बेटा ऐसा है कि अभी तो बहुत मंदा टाइम चल रहा है, बहुत जो ज्वेलरी वगैरह है बहुत कम कीमत में जा रही है, ऐसा करो इस हार को घर ले जाओ और मम्मी को संभाल के दे दो, मतलब मम्मी को दे दो और वो संभाल के इसे रख लेंगी, और तब तक तुम मेरे पास यहाँ काम के लिए आ जाओ, मुझे एक अच्छे जौहरी की जरूरत है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें काम नहीं आता है, लेकिन मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगा और कुछ इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हारा घर आसानी से चल सके। तो बच्चे को ये सही लगा कि मैं इधर उधर काम करने क्या जाऊंगा, मैं अपना ही काम संभाल लेता हूँ, मेरे पिता भी जौहरी थे तो सारा काम इस तरीके से अस्त व्यस्त हो गया तो फिर से सब सही हो जाएगा और तब तक मार्केट सही हो जाएगी तो फिर ये हार भी निकाल देंगे। उसने वो हार ले जाकर चुपचाप से अपनी माँ को दे दिया और कहा कि चाचा ने मुझे कहा है कि यहाँ आके काम कर लो और जो घर में जो भी परेशानी चल रही है वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो जब कहते हैं ना विपदा पड़ती है तो हर कोई मजबूत बन जाता है, वही वाली बात है। तो बच्चे के ऊपर भी परेशानी का भार पड़ा, आर्थिक स्थिति का भी भार पड़ा, और घर में जब इस तरीके का होता है तो बच्चे उस काम को फिर बच्चे ही बड़े हो फिर यह होता है कि जो भी हमें काम मिल रहा है हम उसे बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे से मन से सीखे, और वही उसने किया। उसने दिन रात मेहनत करके वहाँ पर काम किया और उसके चाचा ने उसे जौहरी का काम ही सिखाया कि जो जेवरात वगैरह होते हैं असली नकली की पहचान करना, हीरे जवाहरातों को पहचानना, कौन असली है कौन नकली है, ये सब चीज़ें ही वो उसको सिखा रहे थे और वो बहुत ही मन लगाकर उस चीज़ को सीख रहा था।
और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इतने अच्छे से मिल लगा के सीख रहा था और उसका काम इतना अच्छा हो गया कि धीरे धीरे आसपास के गाँव में उसका नाम होने लगा कि वो जो लड़का है जौहरी है वो बहुत ही अच्छा है, उसकी परख बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मतलब वो काम को करता है। तो फिर उसके बाद शहर के बाद बाहर दूसरे दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे शहर, दूसरे गांव से दूसरे, मतलब इस तरीके से अलग अलग राज्यों में उसकी प्रसन्नता होने लगी और उसके घर की स्थिति भी बहुत ही अच्छी हो गई। जब काम बढ़ता है तो अपने आप से नेचुरल है कि घर परिस्थिति में पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो घर की स्थिति भी ठीक होगी। और क्या हुआ बना, तो फिर जो है अब उनका जब वो सीख गया तो उसके चाचा बोलने लगे उससे एक दिन, बेटा ऐसा है जो हार रखा था जो तुमने माता जो अपनी माँ का हार लेकर आए थे उस हार को कल लेकर आना और अब तो तुम ही जौहरी बन गए हो और उसकी कीमत बताना कि उसकी कीमत क्या है। तो वो बोलने लगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि इस टाइम पे मार्केट का रेट भी बढ़ गया है तो उस हार को देख लो, अगर तुम्हें जरूरत है तो ठीक, नहीं तो तुम्हें अब पहचान तो हो ही गई है। तो एक बार हार तो घर जाकर उसने जब देखा, हार निकाला, हार की जांच करी तो उसे पता लगा कि ये हार नकली है। तो जब उसको ये पता लगा कि ये हार नकली है तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई और वो फिर उस हार को लेके अपने चाचा के पास आया और चाचा से बोलने लगा कि चाचा जब ये हार नकली था तो तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया कि ये हार नकली है और इसे तुम फेंक दो या जैसा भी मतलब कर दो, इसे रखना नहीं है संभाल के, ऐसा क्यों नहीं कहा, और आज जब मैंने इस हार को देखा तो ये हार तो बिल्कुल नकली है। तो उसके चाचा बोलने लगे कि बेटा यही तो है, अगर मैं तुम्हें उस समय इस हार के बारे में बता देता तो तुम्हारे घर में तुम्हारी माता और तुम्हें ये लगता कि मैं तुम्हारी परेशानियों का फायदा उठा रहा हूँ और इसीलिए इस हार को नकली बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी मतलब तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा थी और कि भाई इसको मैं हम बेचेंगे तो इससे इतना पैसा मिलेगा, इतना ऐसा कुछ होगा, और मैं उस मतलब जो तुम्हारी आशा थी उसे एक मिनट के अंदर ख़त्म कर देता, ना तो तुम्हारा काम सीखने में मन लगता ना कहीं और काम सीखने में मन लगता और घर में माताजी भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती कि हमारी एक पूंजी रखी थी और वो भी नकली निकल गई। तो ये जब कभी कभी ऐसा होता है और तुम्हें भी मुझ पर से विश्वास टूट जाता कि ऐसा ना हो कि चाचा ने पैसे देने के चक्कर में या किसी और चक्कर में ये सब चीज़ हमें नकली बता दी, तो अब तो तुम खुद मतलब जो हरी हो चुके हो, अच्छी परख रखने लगे हो, तो अब तुम्हें खुद ही पता लग गया और आज तुम ऐसी मजबूत परिस्थिति में हो कि तुम इसके नकली होने का जो है सच जो है उसको बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हारी माताजी उस सच को बर्दाश्त कर सकती हैं। तो वाकई में ही इन कहानी को सुन के बहुत ही एक अलग सा दिमाग में ये आता है कि वाकई में ही जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं, किसी की भी परिस्थितियां खराब होती हैं, उस टाइम भले ही कोई हल्का सा सपोर्ट करे, प्यार से समझाए, थोड़ा सा सहारा दे दे, तो वो सहारा जिंदगी भर हर किसी को याद रहता है। तो वो लड़का भी अपने चाचा के को उसने प्रणाम किया, उसने कहा कि वाकई में ही मेरे भी बहुत, क्योंकि मैं बिल्कुल अनजान था इन सब चीज़ों से और ये सब इस तरीके से हो जाता तो फिर मैं क्या करता। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा, कहानी क्योंकि मैं ये कहानी क्योंकि मैं जब कहानियाँ पढ़ती हूँ या किसी चीज़ को भी पढ़ती हूँ तो मुझे उसके अंदर से जो भी चीज़ मुझे महसूस होती है ना, तो वो उसी अगर जब मुझे बहुत अच्छा लगता है तभी मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ, अन्यथा तो कितनी चीज़ें हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारे सामने आती है, पढ़ते हैं, निकलते हैं और उस कान से इस आँखों से पढ़ी और फिर भूल जाते हैं कि आंसर होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं ये लिखते हैं, लेकिन जो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सिंपल और हमारे हमारे ज़िंदगी को छूती हुई होती हैं तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। कहानियाँ तो नहीं होती हैं, ये अनुभव के साथ हम लोग आज कह सकते हैं कहानियाँ नहीं किसी न किसी के जीवन से ज़रूर जुड़ी हुई होती हैं। तो किसी न किसी तो फ्रेंड कैसा लगा आज का आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की आप लोगों के साथ की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत है। और फिर मिलते रहेंगे इसी तरीके से ब्लॉग के साथ में, कहानियों के साथ में, क्योंकि कभी कभी ब्लॉग के साथ साथ में कहानियाँ का भी बहुत अच्छा सा तालमेल है, क्योंकि हम लोगों के जीवन का एक अनुभव ही होती है कहानियाँ।
तो इसी के साथ फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, ओके, या कहानी के साथ में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।